फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्लर का जो एप्रन था उसकी कटिंग कैसे करनी थी ये मैंने आपको दिखाई है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये राउंड शेप में इसको कट किया था, जैसे ऊपर के साइड में यहाँ पे हमने सीधा कट किया था और यहाँ पर हमने बीच में ये राउंड शेप कट किया था और यहाँ पर हमने इस तरह से सीधा कट किया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसे ये जो है ये ऊपर की साइड है और ये मेरे पास ये लगाने के लिए पट्टी है, तो ये मेरे पास रेडीमेड पट्टी थी। तो मैं इसको कैसे लगानी है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से इसको स्टिच किया है, जैसे इसको एक बार फोल्ड करके यहाँ पे मैंने यहाँ तक इसको स्टिच किया है। दूसरी साइड को भी हमें इसी तरह से स्टिच किया है, दोनों साइड में हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ये जो बीच में है यहाँ पे भी हमें इसको फोल्ड करना है। इस तरह से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो है ये पट्टी जो है इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं। तो पहले हम फोल्ड कर लेते हैं, जो राउंड शेप हमने दिया है उसको हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ये जो है ये हमारी सीधी साइड है और ये जो है ये हमारी उल्टी साइड है। उल्टे साइड में हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। जैसे पहले मैंने इस साइड में डबल फोल्ड करके इसको पट्टी को मैंने फोल्ड किया था, जैसे सीधी साइड ली थी और यहाँ पे हमने 7 इंच पे राउंड शेप में कट किया था। अब यहाँ पे हमने एक बार इस तरह से फोल्ड किया है। अब इसको क्या करना है, ये हमने पट्टी ली है, पट्टी का हमें सेंटर निकालना है। जैसे इस तरह से हम पट्टी का सेंटर निकालेंगे, सेंटर पर एक मार्किंग कर लेते हैं। सेंटर पे मार्किंग करने के बाद ये जो गला है राउंड शेप में हमने ये गला कट किया था उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। ये यहाँ पे हमने ये सीधा इसको कट किया था और ये जो है यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक मार्किंग करनी है। अब ये जो सेंटर है हमारा, ये सेंटर पे हमें इस तरह से पट्टी को रखना है और यहाँ पे हमें इस तरह ज्वाइंट करनी है।
इस तरह से हमने यहाँ पे ये डोरी को अटैच किया है। अब ये जो एक्स्ट्रा डोरी है हमारी, ये जो डोरी है ये गले में बांधने के लिए डोरी रहती है, क्योंकि ये जो एप्रन है हमारा, ये हमारा पार्लर का जो होता है छोटे बच्चों को या बाल कट करते हैं उस टाइम जो एप्रन पहनते हैं, वो एप्रन मैंने आपको बना के दिखाया है। तो ये जो एक्स्ट्रा पट्टी जो है उसको ऊपर के साइड में बांधने के लिए ये पट्टी रहती है। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई मारेंगे, जैसे एक साइड में हमने ये सिलाई लगाई है तो ये जो दूसरी साइड है उसको भी हम स्टिच कर लेते हैं। हमने इसको बीच में से इसको स्टिच करना शुरू किया था, अब इसके आगे भी हम इसको ज्वाइन करेंगे। दूसरी साइड है, दूसरे साइड को भी हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो डोरी है एक्स्ट्रा, ये भी दूसरी साइड में हमारी, दोनों साइड में सेम डोरी हमारी बाहर है जो इस तरह से हम बांधने के लिए वो काम आएगी। अभी यहाँ पे भी हम इस तरह से इसको दूसरे साइड से भी इसको पैक करेंगे। इस तरह से हमने ये पट्टी को अटैच किया है, ये देखिए, और यहाँ पे भी हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया है। तो ये जो पट्टी है ये हमने अंदर के साइड में इसको लगाया है, जैसे ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो है चारों ओर, तो हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हमने ये सिलाई लगाई है। अभी यहाँ पर हमारी ये किनारी है इसलिए हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई। तो आप चारों ओर से इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, जैसे इस तरह से मैंने ये फोल्ड इस तरह से एक बार फोल्ड दोबारा फोल्ड करके इसके ऊपर मैंने ये सिलाई लगाई है, ये पूरे राउंड में ये सिलाई लगाई है। और ये जो पट्टी है जैसे इसको सीधा करके इसे हमें इस तरह से ऐसे बांधना है, जैसे पार्लर के लिए हम बच्चों को बाल कट करते वक्त बांधते हैं, तो इस तरह से हमें ये बांधने के लिए ये हमारा एप्रन जो है वो तैयार हो गया है, ये हमने सिल के तैयार किया है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने एप्रन की कटिंग इसके पहले वीडियो में अपलोड की थी और इस वीडियो में आपको स्टिचिंग दिखा रही हो। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने ये पार्लर एप्रन जो है उसको स्टिच किया है, जो राउंड शेप में है तो वो गले के लिए बांधने के लिए है, और यहाँ पे हमने जो नीचे के साइड में घेरा लिया है, तो घेरा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको घेरा चाहिए उतना आप घेरा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 54 इंचेस का ये घेरा लिया है,
तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये स्टिच करके आपको दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।